हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ जी अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज के दिन की दो बड़ी खबरों के हवाले से जो कि इस्लामाबाद में धरने के हवाले से है और वजी खजाना इसहाकदार के इस्तीफे के मुतालिक पाकिस्तान के हवाले से बात करने से पहले बात करेंगे इंडोनेशिया के हवाले से क्योंकि वहां से एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर खबर आई आई है और आई है और ऐसी जो पाकिस्तान से बहुत मुमाशरत रखती है इंडोनेशियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं सतियानोवानतो उन्हें करप्शन के इल्जाम पर गिरफ्तार किया जाना था लेकिन उन्हों, उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और अस्पताल पहुंच गए करप्शन की जो टीम है वहां पर है करप्शन इरेडिकेशन कमीशन जिसे के के कहा जाता है वहां पर वो इन इंडोनेशियन पार्लियामेंट के स्पीकर सत्या नौवांतो साहब को ढूंढता रहा क्योंकि उनपे पे 170 मिलियन डॉलर के फ्रॉड गबन और करप्शन का इल्जाम है लेकिन सत्या नौवांतो साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपनी गाड़ी एक खंबे में दे मारी खुद ही और खुद ही जख्मी होके हस्पताल में जा पहुंचे जो एंटी करप्शन की पुलिस है वो उन्हें पूरे इंडोनेशिया में ढूंढती रही और बाद में पता चला कि वो एक मकामी हस्पताल में जेर इलाज हैं और इस बहाने से जेर इलाज हैं कि कोई उन्हें करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार ना कर सके बहरहाल अब तो एंटी करप्शन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि हस्पताल वालों ने उनका भांडा फोड़ दिया है लेकिन इससे पहले एंटी करप्शन के इस कमीशन ने छह महीने के लिए इंडोनेशियन पार्लियामेंट के स्पीकर को ई पर भी डाल रखा था उन पर इल्जाम है कि एक सैंतीस मिलियन डॉलर के उन्होंने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्ट्रॉनिकली बनते हैं उसमें उन्होंने गबन किया है और इस सिलसिले में सैंतीस सियासतदानों को उन्होंने फ़ायदा भी पहुंचाया तो कहीं ना कहीं इस वाक़ की ममासिलत पाकिस्तान के वाक़ से भी की जा सकती है उधर वजी खजाना हमारे वजी खजाना इसाग डार साहब जो कि एक तवील अरसे अब बीमार हैं और उससे भी तवील अरसे अब उन पर करप्शन का इल्ज़ाम भी आयद है उनके हवाले से आज बड़ी खबर ये आई आज सवेरे बड़ी खबर ये आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है लेकिन कुछ ही देर के बाद मुसद मलिक साहब जो कि वजीरजम साहब के तर्जमान हैं उन्होंने इसकी नफ़ी की और कहा कि इसागार साहब ने बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं दिया वो बीमार ज़रूर हैं लेकिन वजारत की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं जो भी मामलात हैं वो वो वजी अजम साहब ऑलरेडी खुद देख रहे हैं और

पाकिस्तान की को भी वो बीमार करके चले गए हैं। आराज दुरानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हैं और सिंध असेंबली में स्पीकर हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब भी नून लीग के वजीरों पर हवाले से कोई पकड़ होती है तो उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है शेख रशीद साहब ने फरमाया कि अच्छा हुआ कि डार साहब को भगा दिया अगर ना भगाया जाता तो वो उनके खिलाफ बहुत सी चीज़ों में वादा माफ गवाह बन सकते थे इस मामले पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे इस डार साहब के इस्तीफे के हवाले से आगे Uh, की सिचुएशन क्या बनती है शरीफ फैमिली के लिए इसके अलावा धरना इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी भी इस्लामा में कोशिशें जारी हैं कि धरने वालों को मना लिया जाए लेकिन उससे बड़ी एक मुश्किल हुकूमत को यह पड़ गई है कि धरने वालों को मनाते मनाते उसे अपने बंधों को मनाना पड़ गया है क्योंकि राजा जफरल हक साहब की खिदमत हासिल की जा रही थी कि धरने वालों से बातचीत करें लेकिन राजा हक साहब ही खुद नहीं मान रहे तो पहले उन्हें मनाया जाएगा उसके बाद वो धरने वालों को मनाएंगे एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज लाहौर में हुई है शरीफ फैमिली के हवाले से मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब आज मुख्तलिफ हलकों में निकले हैं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा शरीफ साहब हल्का 119 में गए और मरीम नवाज साहिबा हल्का 120 में गई और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने हल्का एक को भी विजिट किया बहरहाल दोनों जो कि सियासी जानशीन सियासी वारिस होने के दावेदार तो नहीं लेकिन मुतफा बल्कि उम्मीदवार हैं वो दोनों तो आज दो मुख्तों में या एक ही हलके में मौजूद थे लेकिन अलग अलग गए और अगर एक सौ उन्नीस और एक सौ बीस में गए तो दोनों हलके बिल्कुल वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ी बहत्तर लोगों के नून लीक से टूटने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं यह किसी की खाश तो हो सकती है लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है शायद मरियम नवाज साहिबा ने देखा नहीं कि उनकी अपनी शरीफ फैमिली का एक बंदा उनसे अलग होके एक और हल्के में उसी एग्जेक्टली exactly सेम वक्त में मामला को देख भी रहा था तो शरीफ फैमिली की दरार जो है वो इन्हीं बातों से कहीं ना कहीं वाजे होती है एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज नून लीग के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पर मरियम नवाज साहिबा को तो बहुत प्रमोट किया जाता है आज उनके हल्का एन ए को भी काफी प्रमोट किया गया लेकिन हमजा शहबाज शरीफ साहब को नून लीग का ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट्स बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं ऐसा क्यों है सोशल मीडिया सेल हमजा शरीफ को क्यों इग्नोर कर रहा है तो ये वो सारे मामला हैं जी जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे साथ बड़े सीनियर पोलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं अपने जिसके यहाँ लाहौर में मेरे साथ हैं एजाज चौधरी साहब सीनियर मरकजी रहनमा हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज रहन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और लाहौर से ही मुझे वाया डी एस एन जी ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब जो कि हुकूमत पंजाब के तर्जमान हैं एजाज चौधरी साहब आपकी इजाजत से मलिक अहमद खान साहब से पहला सवाल कर लीजिए में गए है, लेकिन अलग अलग गए हैं और एक को प्रमोशन मिलती है दूसरे को नहीं मिलती अहमदा अच्छा पहले तो मैं आपकी इजाजत से चौधरी साहब से मुखातिब होते हुए हुक्मरान की जो वर्ड है जी ये पोलिटिकली इनकरेक्ट है सर जो है तो जाहिर हुक्मरान ही कहेंगे ना जी आप अच्छा का नाम बता दीजिए मुझे मुतबादल मैं इनशाला उस नाम से आपका नाम लिया करूं। खादिम, खादिम का बेचारा वो हो गया है बदनाम अब खादिम नहीं, नहीं, कुछ और क्या नाम नाम की हद तक आप उसको फिर आगे लाखों के साथ मोहम्मद अहमद साहब मद्दजिल <laughs> <laughs> हमने तो नाम सिर्फ प्रपोज किया हुआ है सर ने, 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 आप मेरे दे, सवाल दे, को अवॉइड ना करें आप मेरे सवाल को अवॉइड ना करें सर ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा हमजा शरीफ साहब अलग-अलग क्यों गए हैं नहीं बेसिकली देखें दोनों एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और अब इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर रिजा भी कोई 6 महीने तक अगर टाइम पे होते हैं तो 6 महीने पता अगले पल का नहीं लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि फिर भी इलेक्शन द कॉर्नर हैं तो फिर उसमें जो हमजा लेके तशरीफ गए हैं हल्का एक सौ उन्नीस में मुस्लिम लीग नून की कॉन्स्टिट्युएंसी है एन ए वन ट्वेंटी मुस्लिम लीग नून की कॉन्स्टिटुएंसी है तो दोनों बहन भाई टाइम पर अपनी लाहौर में कैंपेन पर निकले हैं कोई यकीन से मैं आपको कह सकता हूँ डिफरेंस कोई नहीं किसी किस्म का कोई फर्क कोई नहीं और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से आपने कहा है ये दुरुस्त है कि पी एम एल एन का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें और हमजा साहब का भी एक अपना अकाउंट है जो वो हमजा शहबाज शरीफ के नाम से मेंटेन करते हैं पी एम एल एन पंजाब चैप्टर के नाम से मेनटेन करते हैं और पी एम एल एन पंजाब के नाम से तो उसमें उनकी बड़ी आज की बाकायदा मैंने खुद देखी है कवरेज

Uh, कोई ऐसी ऐसी कोई बात है नहीं और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इज़ अ यूनिफाइड हाउस किसी किस्म की जैसे आपने जिक्र किया कोई डिफेक्शन की बात बिल्कुल कोई ऐसा मामला नहीं है निधर कोई डिफेक्शन ना को मामला और अगर को होता तो भी बड़े पीछे आपके सामने जो पीछे मामला रहे उसमें मलिक साहब जितने अंदाज में नून लीग इसकी आ, मजम्मत करती है ना और तरदीद करती है कि डिफेक्शन नहीं है उतने ही मामला खुल खुल के सामने आते हैं मुस्तफा नवाज खोकर साहब आप चूंकि इस्लामाबाद में बैठे हैं तो आपके पास में आऊंगी जितनी तरदीद करती है नून लीग उतना कौमी असेंबली में हमें देखने में आता है कि वहां पर भी बंदे नहीं आते फिर सेनेट में देखने में आता है कि वहां पर भी बंदे नहीं आते हालांकि इलेक्शन के हवाले से बिल मंजूर होना होता है देखिए इसमें मैं तो मलिक अहमद खान से जरीदा कतन एग्री नहीं करूंगा ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि मुस्लिम लीग नून इज़ अ यूनाइटेड हाउस तो यूनाइटेड तो वो कतन किसी सूरत नजर नहीं आती देखने वालों को तो नजर आता है कि जब कुलसूम साहिबा की इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो उनके कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ कैप्टन सफदर और किरमानी साहब गए शहबाज शरीफ साहब ने उस पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कोई रोल नहीं अदा किया हमजा साहब लंदन चले गए वहां पर बैठे रहे और मरियम अकेले कैंपेन uh, चलाती रही और उसी के दौरान चौधरी निसार उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते रहे तो देखने वालों के लिए तो ये, ये सारी चीज़ें बड़ी पॉलिटिकली एविडेंट है जाहिर बात है मलिक अहमद खान दोस्त हैं हुकूमत में हैं तर्जुमान हैं उन्होंने तो हर चीज़ को पॉजिटिवली पोट्रेक करना ही है पर्दा डालना ही है लेकिन ऑल इज़ नॉट गुड और इस्लामाबाद के अंदर जो ये uh, यकीनन ये अफवाहें काफ़ी दिनों से जोरों में है कि इनके अपने एम एन एज और एम पी एज जो हैं वो खुश नहीं है पंजाब में एक एम पी ए साहब के घर बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ यहाँ पर रियाज पीरजादा साहब कई दफा जो वफाकी काबीना का हिस्सा है बरमला इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि वो मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज है उनसे कतल इतफाक नहीं करते और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको टेक ओवर कर लेना चाहिए तो प्रेसिडेंट बन जाएली तो ये इस चीज में कोई हकीकत तो है नहीं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई दरारे नहीं है दरारे भी हैं मुख्तफ आरा भी हैं

की बारी और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बीस तो कम, के हवाले से चले गए थे लंदन वापस आके अब कम अज कम उन्होंने शो कर दिया कि वो अब ग्राउंड में जाएंगे और उनकी भी करेंगे बहुत शुक्रिया गरीदा बात तो यहाँ से शुरू हुई थी नून लीग का हाउस इन ऑर्डर है या नहीं ठीक. है? तो मलिक मोहम्मद अहमद साहब ने बहुत ज़ोर शोर से कहा कि नहीं सब पूरी तरह मुतज है मैं अर्ज करता हूँ कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है सब लोगों को पता है कि इनके दरमियान एक ऐसा शेयर क्राइसिस है आपस में बैठने के हवाले से और मुश्तरक लाल इख्तियारने के हवाले से कि मरीम और उसके अबू और हमज़ा और उसके अबू ये दो मुख्तलफ़ लाइन लेकर गुजशतः जब से ये क्राइसिस डेवलप हुआ है उसमें लेकर यानी वो बिल्कुल कन्फेंट्रेशन की पॉलिटिक्स लेके चलना चाहते हैं और मुसलसल हमलावर हैं अदलिया के ऊपर और फौज के ऊपर और कहते हैं साजिश हो गई है वेयर एज शहबाज शरीफ और हमज़ा वो कहते हैं कि हमें बातचीत के साथ कोई रास्ता निकालना चाहिए और कन्फेंट्रेशन नहीं करनी चाहिए चुनाच असल चीज तो मौकफ और पॉलिसी होती है उसमें एक बौद है ठीक और आज भी मैं समझता हूँ एक ही दिन दोनों ने लाहौर के अंदर रहते हुए अलग अलग जब घोड़े दौड़ाए हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाउस इन ऑर्डर है इसलिए यानी मुस्लिम लीग नून जो है अंदर से बिल्कुल टूट फूट का शिकार है उन्हें खुद अपना मुस्तकबिल का पता नहीं है इसी म, की रिफ्लेक्शन मतलब आपको उन्होंने बड़े यकीन से कहा है उन्होंने कहा है कि जो बहत्तर लोग टूटने की किसी की ख्वाहिश हो सकती है उनको तो कहीं नजर नहीं आ रहे कि उन्होंने एक और बात की है शायद आप वो जरा नोटिस कर ले उन्होंने कहा लोग डरते नहीं है वो अब, सवाल डर अब लोग बोलते अब डर अब बोलते हैं ये कहा ना तो लोग बोल रहे हैं अपनी बदन बोली से बोल रहे हैं अपनी जुबान से बोल रहे हैं इनको कह रहे हैं कि आपने जो रास्ता इख्तियार किया ये तबाही का रास्ता है यानी आप अगर सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएं, अगर आप फौज के मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएं, तो दो सौ तीन तीन सौ बयालीस में से 242 सौ बयालीस सरकान असेंबली हाजिर थे जिसमें से सत्तर नून लीग के नहीं थे कभी ऐसा हो सकता है वजीर आजम और सब को जमा करने की कोशिश करते रहे हैं और जफरुल्ला जमाली और रियाज पीरजादा साहब तो जो लीडरशिप है वो नहीं आई है चराचे मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये कहना है कि इस वक्त हुकूमत चल नहीं रही है बल्कि रिंग भी नहीं रही है मैं तो आपको ये कहूँगा और मुश्किल चौदह रोज से यहां देख रहा हूँ कोई हुकूमत इस्लामाबाद में नहीं है और हकी इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि पूरे एक हफ्ते से छः सात वज़रा कभी वो सरदार आसादी के घर इकट्ठे होते हैं और कभी जाति उमरा के अंदर जमा होते हैं चुनाची हुकूमत चल नहीं रही है इसीलिए हम ये समझते हैं पर समझते थे कि जितनी जल्दी मुल्क बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए यानी इसमें तहरीके को तो कोई फायदा नहीं पहुंचना है लेकिन वक्त ही होंगे अगस्त दो हजार अठारह में खासतौर पर अब जबकि हल्का बंदियों का वो बिल ये भी आपसे अर्ज करूँ की जो हम कहते हैं यानी यह भी हफ्जाम कदम है कि हम कहते हैं कि जल्द होने चाहिए ताकि बर्वक्त तो हो जाए वरना तो जो सेंसेस का, का महकमा यह कहता है सेंसेस का महकमा यह कहता है कि जून 2017 में यह सारा काम मुकम्मल होना चाहिए तो आज तक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ और इस बात की कौन जमानत देता है कि वो अप्रैल में इसको मुकम्मल कर देंगे यानी मैं यह समझता हूं कि अगर हुकूमत फाल हो उसके महकमे फाल हो तो फिर वो वक्त नहीं मांगेंगे वो वक्त पे अच्छा, काम वक्त से पहले नहीं होते तो क्या होगा वरना 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 आपने कहा कि हम जाहिर है हमने तो उस अमेंडमेंट का हिस्सा बन गए हैं ताकि कोई ये ना कहे कि जी इस वजह से इंतख्या आगे गए हैं अगर यही रास्ता इख्तियार करना और खुदा न खासा कोई उठ के कल को सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये अमेंडमेंट क्यों की गई है तो जाहिर है कोर्ट के अपने अहमद खान साहब क्या कहेंगे आप साहब के इन बातों खासतौर पर डार साहब का आज का इस्तीफा मतलब ये पहले खबर आई कि जी आ रहा है इस्तीफा बल्कि आ चुका है फिर उसके बाद तरदीद आ गई कि इस्तीफा कोई नहीं है वजारत बिल्कुल ठीक चल रही है तो हुकूमत मतलब लड़खड़ा रही है समझ नहीं आ रही खुद भी कन्फ्यूज है धरने वालों को भी नहीं उठा पा रही अपीलें कर रही है आपकी गवर्नमेंट तो बहुत शदीद मुश्किल में है मलिक अहमद साहब बेसिकली जो ये तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह ने दिया हुआ है इसके साथ बहुत बड़ी पब्लिक इनकनवीनियंस है और मेरी नज़र में तो ये हुकूमत को मैंने तो अपनी सबमिशन ये पहले भी की है चाहे सख्ती करके भी उठाना पड़े उठाएं लोगों की लोगों की मुश्किल में बहुत अजाफा हो चुके हैं और अगर ये निगोशिएशन से नहीं उठते तो फिर गवर्नमेंट को अपने रिट इनफोर्स करनी चाहिए एंड प्रॉपर्ली इट वुड बी डन और ये जहाँ तक इस चीज़ का तल्लुक है कि इसहाक डार साहब का इस्तीफा तो मुसद मलिक साहब उस उनकी बात की वजाहत आज मैंने मैंने भी सुना टी वी पर उनको वो कर गए कि उन्होंने भी रिजाइन नहीं किया

केसेस बने हुए हैं नैब के उनके वॉट एवर रीज़न् उस पर बड़ी तनकीद भी है हमारा पार्टी का एक मौकाफ़ भी है कि ये एक ख़ास किस्म का इंतकामी कार्रवाई है और एक ख़ास किस्म की उनके खिलाफ साजिश हो रही है और फिर ये मौक़ भी आया कि नैब ने जो केस खोला है उसको तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपील में दोबारा अलाव भी नहीं किया था तो वो खोल दिया गया बे, बेशुमार तहफात के बावजूद भी उनको ये देखना चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स में एक अरसे से हैं दो तीन दफ़ा वो इस अहम मनसब पर भी फाइज रहे हैं और उनकी अपनी एक शख्सियत भी है और उन्होंने बड़ा पोलिटिकली अपना नाम भी कमाया था अब अगर वो अंडर क्लाउड्स हैं अंडर शेडोज हैं तो ये फैसला तो करना उन्हीं का हक है कि अब पार्टी उनकी पार्टी किसी ने लीडरशिप फैसला करे कि वो क्या फैसला करते हैं लेकिन बाहर सूरत क्योंकि वजारत के मामल जिस तरह मुसदक मलिक साहब को मैंने सुना वो बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर उसको खुद देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स तो ओबियसली वजारत तो डिसफंक्शनल फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री तो नहीं रह सकती। लेकिन तनकी तो तो है। है तो जब भी आप लोगों परप्शन के कोई मसले पड़ता है आपकी कमर में दर्चर हो जाता है और अगर हेल्थ के इतनी इश्यूज है तो फिर रिजाइन कर दे ताकि फुल फ्लेज कोई मिनिस्टर आ जाए कोई एडवाइजर आ जाए मुस्तफा नवाज खोकर मुस्तफा साहब का इस पर कमेंट ले लो मुझे फिर ब्रेक पे भी जाना होगा मुस्तफा साहब देखिए गरीदा दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मुल्क हो कि जहाँ का वजी खारजा वजीर ख़जाना उसके अपने अकाउंट फ्रीज हों लेकिन वो रियात पाकिस्तान के चेक इशू करने का अभी भी मजाज है यानी कि आप इस इनका जरा आर्ग्यूमेंट को अगर जरा आप जायजा लीजिए तो एक तरफ ये मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि वो इतने बीमार हैं कि वो वतन आपस आ, वापस आ नहीं सकते इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इतने बीमार नहीं है इसलिए वो उससे इस्तीफा नहीं देते तो इनका बड़ा कंफ्टिंग सा आर्गूमेंट है मैशत का अगर आप हाल देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स खतरनाक हद तक गिर चुकी हैं हुकूमत ने अभी रेगुलेटरी ड्यूटीज आयद करके इंपोर्ट बैलेंस को इमरजेंसी के तौर पर उसको ठीक करने की कोशिश की है टेक्सटाइल का बुरा हाल है एग्रीकल्चरल कम्युनिटी सफर कर रही है आपका गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट वापस तकरीबन पांच अरब रुपए तक पहुंच चुका है आपकी इस वक्त मुल्क के अंदर इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही और आज से तीन दिन पहले इसी चीज से बचने के लिए तीन अरब डॉलर के इन्होंने नए बॉन्ड्स फ्लोट करने का इंटरनेशनल मार्केट में फैसला किया है जिससे पाकिस्तान पर तीन अरब डॉलर का और कर्जा चढ़ जाएगा और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वजी आजम शाह खान अब्बासी जो है वो वो मीशत को देख रहे हैं तो ये किस तरह की मैशत को देख रहे हैं वजीर खारजा मौजूद नहीं थे चार साल तक उसका आपने नुकसान देखा पाकिस्तान को उठाना पड़ा ऑपोजिशन चीखती रही आप खुदा रहा वजी खर्जा मुक्र कीजिए पाकिस्तान की खर्जा पॉलिसी एक फेलियर की तरफ जा रही है इन्होंने नहीं किया और अब वही हाल मैशत के साथ होने जा रहा है इलेक्शन ईयर है इसके अंदर इन्होंने दबा दब पैसे भी खर्च करने हैं बाकी जो इकॉनमी के अंदर मेन जो आपकी चीजें उसको ये बैलेंस आउट कर नहीं पा रहे कर्जे मजीद लेने और इकॉनमी का इन्होंने बिल्कुल फेयर पॉइंट है मुझे एक ब्रेक लेनी है लेकिन आपके इस्तीफे के हवाले से बात तो हम करते रहेंगे बट आपसे आखिर मैं सवाल करूंगी कि डॉक्टर आसिम हुसैन से किसने इस्तीफा लिया स्टे

जो इस वक्त हुकूमत है मत है पिछले साढ़े चार साल से ना वो पी आई ए का क्राइसिस हम पे डाल सकती है क्योंकि जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर तो ये खुद एक एजेंडा लेकर आए थे हर चीज पे उन्होंने कहा कि एनर्जी एनर्जी का हमारे पास फिलहाल मौजूदा पूछ रही हूँ आपसे डॉक्टर आसिम हुसैन के के का पूछ रही हूं, कराची पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट किसने इस्तीफा लिया उनसे क्यों लिया <laughs> देखिए पार्टी के इंटरनल कई चीजें होती हैं अभी आपको आ, कल परसों से मीडिया पे सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही थी कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रावलपिंडी की तंजीम के कुछ लोग चले गए एक सियासी जमात के धरने में तो उसके ऊपर भी हमने एक्शन लिया और उन्होंने इस्लामाबाद के धरने, हा, नहीं, के धरने वाले हाँ नहीं इस्लामाबाद के जमात जमात दे 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 वाले। है, वो, वो बिल्कुल सियासी जमात है इलेक्शन कमीशन में बतौर एक पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है खरीदा वो रजिस्टर्ड सर जो बिल्कुल ठीक कह लेकिन ये चीजें होती हैं इसमें कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है जी नहीं डॉक्टर आसिम हुसैन के इस्तीफे में कोई इशू नहीं है पार्टी के कोई नाराजगी नहीं, नहीं है उन्होंने पार्टी के लिए माजी में भी उन्होंने काम किया इस दफा भी जो जो ये क्राइसिस जो गुजर रहा था उस क्राइसिस के अंदर वो एम के एम के साथ बिल्कुल रबते में थे और एम के एम के कई पार्लियामेंटेरियन सिटिंग पार्लिमेंटेरियंस एम एन ए और सेनेटर्स जो है उनके साथ वो रबते में रहे उनको पीपल्स पार्टी की तरफ कायल करने की कोशिश करते रहे तो वो साहब नाराज हुए

नहीं क्योंकि मुस्तफ़ा बैठे हैं मैं ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता जी जो उन्होंने कहा हक तस्लीम <laughs> बड़ी शराबत के साथ मुस्तफ़ा साहब की बात से गर चाँच गरीदा एक बात जो मलिक साहब ने अभी की है वक्फे से पहले कि साथ धरने वालों को निपटना चाहिए मैं इसे अख्तराफ रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत होगा अगर उन्हें सख्ती से बिकॉज मैंने आपके वजीर दाखिला का जो माइंड सेट देखा वो ये कहते हैं कि हम मॉडल टाउन की तारीख नहीं दोहराना चाहते गलत स्टेटमेंट दी वो, वो तो इसलिए नहीं वो कह... अब गलत दी या यानी या ये समझते हैं प्रोफेसर वो है या यानी पूरी हुकूमत ये समझती है कि वाहिद प्रोफेसर वो है और उसे अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है ये कह रहा है कि तो ये माइंड सेट है दूसरा मैं ये अर्ज करूंगा इसके पीछे आप चले जाए मुझे ये बताइए उन्नीस सौ चौहत्तर में पाकिस्तान के अंदर भुट्टो की असेंबली ने एक मसले को बिल्कुल तय कर दिया ये क्यों हटाया गया फिर लोग अगर पूछते हैं इसके पीछे कौन सा शैतानी जहन कार फरमा था तो आप बता दीजिए राजा जफर एक मिनट राजा जफर साहब ने कह दिया ना कि हम कमेटी की रिपोर्ट आपको देने को तैयार हैं है वही रिपोर्ट सामने आए उनका मुतालबा यही है कि उसको तो कुछ ना कुछ तो कहा जाए वो कहते हैं कि वजीर कानून इस्तीफा दें अब मामला जो मामला मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना जी उनको भी इसी सोर्सेस से पता चल गया कि असर रिस्पॉन्सिबल एक शख्स है वो ये अब मामला जो झगड़े मामले था वो तो खत्म हो गया आप, आप देखें ना मामला मेरा ख्याल है एक मिनट आपका मीडिया ये बताता है मैं वैसे अभी तक उसको देखा नहीं है कि बैन ही हल्फ वो उसी तरह वापस नहीं आया है आपके की रिपोर्ट है मैं खुद यहां पर यहां का रिहायश हूँ इस वक्त पूरा शहर दोनों शहर जो है पिछले दस दिनों से बारह दिनों से स्टैंड स्टिल पर आए हुए इस्लामाबाद से पिंडी जाने में चार घंटे लगते हैं वहां से यहाँ पर आने में चार घंटे लगते हैं और जिस चीज पे खरीदा सबसे ज्यादा दुख हुआ

नमूसे रसूल पर इस तरह की इनकनवीनियंस देना वैसे ही बिल्कुल नहीं नहीं वैसे बा... जी आपने वो वो हल्फ के त... क्यों जो सब किया? मेरी जब तक जो आप आप जो बात कर जो, लोगों को आप शाफी जवाब देंगे तो सर अलाउ मी टू स्पीक मुझे इजाजत दे दें देखिए ये बड़ा हसास मामला है और तो बड़े समझदार और बड़े कोना मुश्क आदमी हैं और आपने सारी जिंदगी इसी की सही में गुजारी है इस मामले पर बात करते हुए बड़े एहतियात का दामन थामना चाहिए और अगर आपकी ये स्टेटमेंट के लॉ मिनिस्टर जो हैं, वो जिम्मेदार थे तो वी आर पुटिंग इज लाइफ इन डेंजर वी बी केयरफुल ऑन दैट आप ख्याल करें इस बात पर नहीं तो जी। और दूसरी वो तक वो तक वो मुझे मुझे अपनी बात खत्म ये ये कर मुझे एक सेकंड इजाजत होल्ड ऑन आप क्योंकि मेरी नजर में आपका एक बड़ा एहतराम का रुतबा है और आप बड़े अच्छे सियासी कारकुन है और जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट से लेकर 1974 में खत पे खतपे नबोद का तक के आने के कानून को आपने बड़े बघौर देखा भी होगा मैं यकीन रखता हूँ इस बात पर और इस मामले की हसासियत का अंदाजा आपको पिछले वाकत के साथ भी है नामूस पर मेरी जान कुर्बान, इस नाम की पर मेरे खानदान की जान कुर्बान लेकिन फॉर गुडनेस सेक ये टॉक शोज के अंदर बैठ के मैं और आप या इस प्रोग्राम के मॉडरेटर्स कोई भी इस पर बात करते हुए एहतियात का दामन प्लीज मत जाने दें जो भी बात करेंगे बड़ी साहिब है

मुजाहरीन के साथ कैसे बात करते हैं और उनकी कौन सी बात को समझते हैं और कौन सा हल उनके सामने पेश करते हैं ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं अगर किसी दर्जे में हड़दर्बी ना हो तो क्योंकि राजा जफर तो साहब ने अगर अपना हाथ खेच लिया है बैठ गए थे ना हुकूमत ने क्या क्या कोशिश नहीं किया मैं क्य अब मैं आपसे अर्ज करता हूं एक रोज हम बैठ गए थे ना जी हमने किसी अमूमी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं किया था रास्ते खुले हुए थे जी, ये तो रास्ते तो हो था था। बंद क्या, किए क्या हुए क्या क्या कर खोकर साहब आपके इलम में नहीं है कि ये कंटेनर ने खुद लगाए हुए हैं नहीं है

उन दो शहरों के लोगों के लिए है लोगों की जिंदगी वहां पर बिल्कुल मफलूज हुई हुई है प्रैक्टिकली गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एनी भैया गुफ्त शनीद से उठाएं ये बार बार हम कह रहे हैं स्ट्रेस कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं मैंने तो अपने चीफ मिनिस्टर से भी सबमिट किया है कि हर सूरत उन लोगों की वहाँ पर जो इस वक्त पिंड इस्लामाबाद का हाल है अमानफीज आपके धरने में इतनी तकलीफ जो थी वो लोगों को आई तकलीफ बहुत तकलीफ आई आपका कहना कि वहां पर लोगों को रास्ता था ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू थी वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त तो उस तरह से सिर्फ सरकारी दफातर को जाने वाले लोगों की डिस्टर्ब थी और एक बड़ी इनकनवीनियंस तो वो धरना भी था वैसे लेकिन ये इस इस धरने ने दो शहरों की जिंदगी मफलूज की हुई है और कितनी बड़ी तदाद है उन लोगों की और वो सब लोग जो के तर्जुमान है लेकिन आपका है, तो day, जितने भी दिन इस्लामा पिंडी वाली वालों को, वालों को तकलीफ हुई दिस्पॉन्सिबल तो आपकी गवर्नमेंट है ना आपके एडमिनिस्ट्रेशन है ये तो हाईकोर्ट ने भी आपको अच्छा खासा बरहमी का इजहार किया है कि जी आप लोग क्रिकेट के तमाशाई की तरह देखते रहे आप लोगों में अगर हिम्मत होती है इस्तेतात होती मुझे, है आप मुझे इजाजत दें देखिए जब कोई लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं तो वो प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं गवर्नमेंट क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है एक डेमोक्रेटिक राइट right को एक पीसफुल मैनर में होने से रोक नहीं देते लेकिन जब रूल्स ऑफ द गेम और फेयर ना हो और फिर जब जो हैं वो हो रहे होते हैं हमने तो प्रोटेस्ट की इजाजत अगर हुकूमत ने दी होगी तो इन अ पीसफुल मैनर दी होगी ये थोड़ी दी थी, थी कि इस्लामाबाद को सीज कर दिया यानी साग डार साहब ने सारे मुल्क को मफलूज किया हुआ है धरने के ऊपर हम इतने संजीदा हैं आप उस बात के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते यानी यहाँ रात के अंधेरे से रात के अंधेरे में वजीर आजम का था। हवाई जहाज लेकर वो यहाँ से चले गए और वह जाके लेट गए वहाँ पे पेपर मिल केस खुला है गरीब खड़े हो गए नहीं और ये बताना शुरू हो गए कि जनाब ये इकोनॉमी फ्लूज है गलत केस खुला है निजाम सही नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम ये जो इनकन्वीनियंस है इतने ज्यादा लोगों को वो असल में बीमार हो गई है इसहाक साहब से ज्यादा जब तक वो ठीक नहीं होगी तो का आप इंतजार कर रहे हैं नवाज शरीफ और आपका जो मौजूदा वजी अजम है इसके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ठीक है वो तो चाहते हैं तब्दील कर देना नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते ओके फाइन और बंदा लाना चाहते हैं अपने हाथ का ओके फाईजास बहुत शुक्रिया मुस्फा नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब आपका भी